सम्मानित मुख्यमंत्री जी, सिर्फ इतना कहना काफी नहीं होगा सर, आपकी जो लोकप्रियता पिछले दिनों में बढ़ी है उसको आपने महसूस किया होगा रास्ते में आते वक्त। एक उत्साह का माहौल पूरे जिले में है, पूरे राज्य में है, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम से लाभान्वित लोग हो, चाहे मदरसा के लोग हो, हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हो, चाहे सहायक शिक्षक हो, सब लोग सड़कों पर उतरकर घरों से आपके एक झलक पाने को थे। आपके इस स्वागत के लिए गोड्डा की जनता का बहुत बहुत आभार। मंच पर हम लोगों के कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता, मंत्री आदरणीय श्री आलमगीर आलम जी, मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी, हम लोगों के बहुत ही चहेते सांसद भाई विजय हांसदा जी, मंच पर उपस्थित पुड़ैया हाट के विधायक प्रदीप यादव जी, मंच पर उपस्थित भाई आप लोगों के पूर्व विधायक तो हैं वो, लेकिन आप लोगों के दिलों में बसते हैं हमारे ऐसे भाई संजय यादव जी, मंच पर उपस्थित महगामा के पूर्व विधायक राजेश रंजन जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष दिनेश यादव जी, मंच पर उपस्थित आरजेडी के जिलाध्यक्ष जी और संगठन के तमाम मंचासीन नेता कार्यकर्तागण, मंच के नीचे उपस्थित बहुत ही सम्मानित जनता और खास करके इतनी हमारी महिला बहनें जो हम लोगों के मुख्यमंत्री जी के सम्मान में आज यहां पहुंची हैं, मैं उनका स्वागत धन्यवाद करती हूं। लगातार एक के बाद एक फैसले जो कोविड के काल खत्म होने के बाद सर आपने लिए, लोगों के भावनाओं के अनुरूप, चाहे वो 1932 का फैसला हो, चाहे फिर ओबीसी आरक्षण का मामला हो, चाहे फिर ओल्ड पेंशन का मामला हो, या जो संविदा कर्मियों की लगातार शोषण और परेशानी थी, उससे धीरे धीरे एक कदम जो आपने बढ़ाने का काम किया है और उनके निदान की तरफ बढ़े हैं, उससे बहुत ही खुशहाली लोगों के बीच है। लेकिन सर आज जब आप यहाँ आए हैं तो गोड्डा जिला उन जिला में है जो सुखाड़ से बहुत ही प्रभावित है। सुखाड़ में लोगों को राहत देने का प्रयास सरकार की तरफ से हो रहा है और लोग पंक्तिबद्ध हो करके फसल राहत से लाभान्वित होने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। लेकिन जब आपके सामने यहाँ हम लोग खड़े हैं और आप जब इस कार्यक्रम में आए हैं तो उसका मकसद जो है कि लोगों की जनता, लोगों के बीच जाकर के उनकी परेशानियों को जानना, समझना और उसके अनुरूप पूरी सरकार काम करे, चाहे वो हमारे कैबिनेट के लोग हो, चाहे जो हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी हो। इसलिए सर मैं आपके सामने बात रखना चाहूंगी कि हमारे जिले में सिंचाई की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था पर खास काम करने की जरूरत है। आपने सर्वजन पेंशन देकर घर घर वृद्धों को सम्मान दिलाने का काम किया, जो अकेली महिला थी उनको साथ देने का काम किया, विकलांग जो हमारे भाई बंधु हैं उनके लिए कुछ सहारा आप बने। लेकिन बिजली की जो हालत दिन प्रतिदिन हो रही है उससे कहीं ना कहीं हमारी जो जनता है वो परेशान है और आपने पहल किया, पिछले हफ्ते ही आपने बैठक करके यह भरोसा दिलाया है कि आने वाले दिनों में उससे निजात दिलाएंगे। लेकिन सर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इसी जिले में अडानी का पावर प्लांट शुरू होने वाला है। उन लोगों ने 25% बिजली राज्य सरकार को देने की बात की है। मेरा आपसे निवेदन होगा इस मंच से कि सर उस 25% बिजली से अगर उसका 25% गोड्डा को दे दिया जाएगा तो गोड्डा की जनता को कभी बिजली की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। हमारा जिला ना सिर्फ घरों में बत्तियां जलेंगी बल्कि नए कल खानों के लिए भी रास्ता खुलेगा। अडानी की जब बात हो रही है तो यहाँ पर जहाँ नौकरियां देने की संभावना है, सर आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि हम लोगों ने जब आंदोलन तय किया तो आपने भरोसा दिलाया कि 75% जो रोजगार है, जो नौकरियां हैं, जो स्थानीय प्राइवेट इकाइयों में झारखंड के लोगों का अधिकार बनता है, उस पर आप खास पहल करेंगे। आज सिर्फ गोड्डा में ही नहीं पूरे राज्य में लोगों को का निबंधन योजनालय में कराया जा रहा है और एक ऐसा ही निबंधन का कार्यक्रम इस जिले में भी हुआ। मैं आपसे कहना चाहूंगी सर कि मैं जब इस मुहिम को लेकर बढ़ी तो मैंने नहीं सोचा था
कि 8000 युवा एक दिन में आकर के वहां अपना रजिस्ट्रेशन अपना रेज्यूम जमा करेंगे। तो किस तरह की परेशानी रोजगार को लेकर है, इस पर भी हम आपका विशेष ध्यान दिलवाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी, आप अगर आने वाले साल में जो हमारे प्राइवेट संस्थान हैं उन सभी जगहों पर रोजगार का आप अवसर देंगे, तो जो आज सड़कों पर युवा थे वो सरकारी नौकरी तो लेंगे ही, साथ ही साथ और जो अन्य लोग हैं वो प्राइवेट क्षेत्र में भी रोजगार पा सकेंगे, नौकरी पा सकेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, क्योंकि आज सब लोग आप लोग एकत्रित हुए हैं मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए, मैं उन आप दोनों के बीच, जनता के बीच नहीं खड़ी होना चाहूंगी। आप लोगों की तमाम समस्याओं से मुख्यमंत्री जी अवगत हैं, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।